प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, हमने पैराग्राफ को स्टडी किया, हमने पैराग्राफ को डिफाइन किया कि पैराग्राफ बेसिकली क्या होता है। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन मोलर वॉल्यूम एंड सरफेस टेंशन, एंड सरफेस टेंशन की हम 1/4 रूट लेते हैं। ठीक, उससे पहले हमने ये बात भी कर दी थी कि पैराग्राफ आपके पास बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच बिहेव्स लाइक एडिटिव एंड द कॉन्स्टिट्यूटिव टू। एडिटिव मीन्स कि इसकी वैल्यूज हर एक इंडिविजुअल एटम के ऊपर डिपेंड करती है। कॉन्स्टिट्यूटिव इस तरह है कि ये ना सिर्फ अपने एटम्स पे बल्कि ये डिपेंड करती है आपके पास मॉलिक्यूल्स किस तरह अरेंज हुए हैं। तो पैराग्राफ इज़ बोथ एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूफ करो कि पैराग्राफ किस तरह आपके पास एडिटिव है या किस तरह कॉन्स्टिट्यूटिव है, तो आपको उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी होगी, वो हम देखते हैं आगे कैसे। सबसे पहले है पैराग्राफ को अगर एडिटिव प्रूफ करना पड़े तो कैसे। ठीक, आप इसके ऊपर हेडिंग लगा लो कि दिस इज द बेसिकली क्या है आपके पास, व्हेन द पैराग्राफ इज इन एटॉम एडिटिव स्टेट। अब एडिटिव स्टेट में कैसे है, फॉर एग्जाम्पल एडिटिव का मतलब हमने पढ़ा कि हर इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टीज को, उनका मास हो गया, उनका मल्टिंग पॉइंट हो गया, हर एक अलग अलग। तो ईच एटम ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ डेफिनेट वैल्यू ऑफ पैराग्राफ। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ आपके पास एक कंपाउंड है C6H6, आपको सबको पता है बड़ा कॉमन सा कंपाउंड है, इसका नाम है बेंजीन। अब वो कहते हैं इसमें दो एटम है। अब हर कार्बन की अपनी पैराग्राफ की वैल्यू है, हर हाइड्रोजन की अपनी पैराग्राफ की वैल्यू है। तो ये एटम्स जो गिवन कंपाउंड है उसमें एटम्स को अपनी अपनी जो पैराग्राफ वैल्यू होना वो आपका कहलाता है एडिटिव इन नेचर। और इसके लिए हम एक टर्म भी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं एटॉमिक पैराग्राफ्स। ठीक, यानी आप ये कह सकते हो जो एटम्स आपके पास मौजूद हैं हर एक एटम की अपनी पैराग्राफ वैल्यू है जो उस कंपाउंड में उस वक्त मौजूद हैं एटम्स, चाहे वो 10, 15, 20 जितने भी आ जाएं, नंबर ऑफ एटम्स जितने भी आपके पास हों, हर एक की अपनी अपनी पैराग्राफ की वैल्यू होती है। ठीक, हर एक की अगर अपनी अपनी वैल्यू है तो इट बिहेव्स लाइक अ जस्ट एडिटिव इन नेचर प्रॉपर्टी। क्लियर, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखी, ईच एटम ऑफ द मॉलिक्यूल हैज डेफिनेट वैल्यू ऑफ पैराग्राफ एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ पैराग्राफ वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स। यानी अगर मैं आपसे कहती हूँ ये बेंजीन है, इसकी पैराग्राफ वैल्यू निकालो, आप फौरन बोलोगे सी की वैल्यू क्या है, उसको प्लस कर दो हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि टोटल पैराग्राफ की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पर डिपेंड कर रही है, कि हर एक का अपना अपना वैल्यूस आप नोट करो। सेम वैसे ही जैसे आपको मोलर मास निकालना होता है तो आप कार्बन का वेट निकालते हो, हाइड्रोजन का निकालते हो, दोनों को ऐड करते हो, इसी तरह पैराग्राफ में भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं उनकी अपनी अपनी एटम्स की पैराग्राफ वैल्यू को। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया, एटॉमिक पैराग्राफ्स आ गए। क्लियर, अब उसके बाद हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ये पेपर में आ भी सकता है। इसमें आपके पास क्या है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि पैराग्राफ की वैल्यू, जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल पैराग्राफ की वैल्यू है, तो वो कैसे आती है। यानी हमने बात की कि टोटल कंपाउंड की वैल्यू डिपेंड करती है हर एक एटम की प्रॉपर्टी पे। इसने आपको क्वेश्चन एग्जांपल दी है, एग्जांपल नंबर 2.3। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि जो पैराग्राफ की वैल्यू है इसकी जो यूनिट्स हैं अगर आपको निकालने पड़े तो ये टोटली डिपेंड करेगा आप सरफेस टेंशन को किस में मैयर कर रहे हो। हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं सरफेस टेंशन को मैयर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स हैं, इसको न्यूटन मीट पर मीटर में भी मैयर किया जाता है और डाइन्स के यूनिट में भी मैयर किया जाता है। तो ये विल डिपेंड कि आपके पास यूनिट सरफेस टेंशन के क्या हैं, डेंसिटी के क्या हैं, मोलर मास के क्या हैं, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है पैराग्राफ की वैल्यू कि आपके पास गिवन जो कंपाउंड है या डाटा दिया हुआ है उसमें यूनिट्स क्या यूज़ कर रहे हो। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 23 है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है द पैराग्राफ वैल्यूज ऑफ C2H6 एंड C3H8। अब ये C2H6 क्या है, ये C3H8 क्या है, अगर थोड़ा सा गौर करो तो ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसने आपको उसमें किस चीज़ की वैल्यू दे दी है, इस पर आपने उसने आपको इथेन की वैल्यू दी है और साथ आपको प्रोपेन की वैल्यू दी है। ठीक, प्रोपेन है, दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। उसने कहा कि आपके पास डाटा में दो चीज़ें हैं और उन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, इथेन की 110.5, दूसरे की 150.8 रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब ये जो वैल्यूज हमारे सामने आ गई, उसने कहा कि आपने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, पैराग्राफ वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हेक्सेन से। अब आप बोलोगे ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है, हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। आई एम डिस्कसिंग हेक्सेन, इसका मतलब यहाँ पर कोई डबल ट्रिपल बॉन्डिंग है, सिंगल चेन से सारे जुड़े हुए हैं। अगर ये C6H14 है तो फोर करो, हमने तो भी बात की थी, क्या बात की थी कि अगर आपको किसी कंपाउंड का पैराग्राफ की वैल्यू निकालनी हो तो उसका मतलब उसके अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं उसकी पैराग्राफ की वैल्यू निकालो। अब आपके पास डाटा में कोई वैल्यू नहीं दी गई कि सी की अकेली क्या है, हाइड्रोजन की अकेली क्या है। अगर मुझे अलग अलग पता चल जाती मैं तो सिक्स को उस कार्बन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देती,
14 को हाइड्रोजन से वैल्यू मल्टीप्लाई कराती और दोनों को ऐड कर देती। इट्स नॉट जस्ट सिंपल एज दिस, ये सिंपल नहीं है। उसने आपको डाटा में दो वैल्यूज दी हैं, अब वो किस किस की हैं, C2H6 और C3H8। अगर आप गौर करो, अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करती हूँ एटम्स को, C2 C3 दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, C5। ठीक, A2 6 को ऐड करती हूँ तो क्या बन जाएगा, ये तो 14 बन जाता है, लेकिन यहाँ पे C5 तो नहीं, मुझे C6 चाहिए। तो इसका मतलब इट्स नॉट जस्टिफाइड कि आप इन दोनों को ऐड कर दो। लेकिन इनकी मदद से मैं एक काम ज़रूर कर सकती हूँ। आप देखो इन दोनों कार्बन के दरमियान फ़र्क कितना है। आपको पता है एल्केन्स की चेन में या आपके पास जो होमोलोगस सीरीज होती हैं उसमें अगर पहले कंपाउंड का फॉर्मूला CH4 है तो दूसरे का क्या होता है, मीथेन का CH4, दूसरे का C2H6। इन दोनों में कितने कार्बन का फ़र्क है, एक। हाइड्रोजन कितने का फ़र्क होता है, दो। इसका मतलब अगर मुझे सिर्फ CH2 की वैल्यू कहीं से पता चल जाए और मैं बाद में उसे यूज़ कर लूँ तो बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बार बार दो हर एलिमेंट्स में देखो, मीथेन में और इथेन में, आगे प्रोपेन में, इसमें भी कितना फ़र्क है, इसमें दो कार्बन है, इसमें तीन है, माइनस किए 1 कार्बन बचा, इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें 8 है, दोनों को माइनस किए 2 बचे, तो फ़र्क कितने का आया, सिर्फ CH2 का। तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके CH2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मैंने यही काम किया, मैंने इन दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब इन दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास सिर्फ एक CH2 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये CH2 की वैल्यू आई है, इसके ज़रिए मैं ज़रूर फाइंड कर सकती हूँ C6H14। ठीक, अब मुझे तो पता है C6H14 है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए आपके पास डाटा में सबसे करीब कौन पड़ रहा है, C3H8। C3H8 में कितने कार्बन होने चाहिए कि ये 6 बन जाए, 3, तो मैं यहाँ लिखूँगी 3। ठीक, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए तो ये बन जाए 6, तो इसका मतलब CH2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से। इसका मतलब जो CH2 की वैल्यू आई है अगर वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो आपकी वैल्यू बड़ी जस्टिफाई हो जाएगी, C3H6 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जबकि आपको पता है C3H6 तो हमने कभी पढ़ा भी नहीं, हमने C3H6 तो नहीं पढ़ा ना, हमने तो बात की कि आपके पास ये चीज़ अगर बन जाएगी तो आप टोटल अगर करो तो आपके पास बड़ा सिंपल है, 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिंपल क्या करते हैं, जो कंडीशन गिवन होती है उसको थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, हम देखते हैं अगर ये होमोलोगस सीरीज है इनमें कितने का फ़र्क आ रहा है। अगर फ़र्क बार बार रिपीट हो के वही आ रहा है तो आप उसकी वैल्यू निकाल लो, फिर चाहे जितने मर्जी के निकाल लें। हो सकता है आपको यहाँ पे हेक्सेन की जगह पे लिख देते C7 लिख देते हैं, ठीक, तो आप यहाँ पे 3 की जगह 4 लगा देते हैं। अगर वहाँ कह देते C8 की वैल्यू निकालनी है, आप क्या करते हैं यहाँ पे 4 लगा देते हैं, 5 लगा देते हैं, ये डिपेंड करता है आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है। तो पेपर में कभी भी एग्जैक्ट ये चीज़ उठा के नहीं देनी है, मे बी ये भी आ सकती है, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है कि कुछ भी आ जाए आपको मेथडोलॉजी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम CH2 की वैल्यू जो 40.3 है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और आपस में ऐड कर दिया। तो हर एटम्स की हमने पैराकर वैल्यू के डिफरेंट केस में थी, हमने उनको आपस में ऐड करके निकाला, दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पैराकर वैल्यू। ठीक, और ये जो पैराकर वैल्यू आ रही है ना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन वैल्यूज है, ये अपने आप से नहीं लिखी हुई, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यूज हैं और ये पहले से बनाई डिफाइन की गई हैं। क्लियर, उसके बाद आपके पास आता है पैराकर एज अ कॉन्स्टिट्यूटिव। पैराकर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है कि आपके एटम्स जो कंपाउंड में मौजूद हैं वो एक दूसरे से जुड़े कैसे हुए, आप ये कह सकते हैं उनके दरमियान बॉन्डिंग कैसी है। ज़्यादा आसान करने के लिए, क्या वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, डबल से हैं, ट्रिपल से हैं, किस तरह की बॉन्डिंग है, कैसे एक दूसरे से अटैचमेंट शो करें, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो आप देखो बेंजीन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन ले रहे हैं तो बेंजीन में खाली C6H6 तो है, लेकिन हमें पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह का होता है, आपके पास अल्टरनेट डबल और बॉन्ड्स बनते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। अगर मैं आपसे कहती हूँ इस बेंजीन की पैराकर वैल्यू निकालो तो आप फौरन बोलोगे इसकी वैल्यू सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि ये डिपेंड करी एक दूसरे से अटैच कैसे हुए हैं। तो इसका मतलब हम इसकी अगर वैल्यू को हमने थ्योरेटिकली पेज पर सॉल्व करना हो तो उसमें हम दो चीज़ों को इकट्ठा लेके चलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मीन वो कैसे अटैच हैं। इट हैज़ बीन फाउंडेड द टोटल पैराकर वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूल, पूरी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके पास अगर वो रिंग स्ट्रक्चर है तो कैसे, बॉन्ड्स हैं तो कैसे। ठीक, ये डिपेंड करती है आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स की तादाद कितनी है, सिर्फ
उस पे नहीं, आपके पास क्या तादाद है, किस तरह लिंक करें। जैसे बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, लेकिन उसके साथ उसी टाइम पे 3 बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें इकट्ठी सम अप नहीं होंगी, आप किसी भी कंपाउंड की पैराकर वैल्यू को नहीं बता सकते। तो आपकी स्क्रीन पे आपको तो टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल को आपने याद रटे नहीं लगाना, सिर्फ एक एग्जाम्पल को याद कर लेना। अब उस एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, कुछ टेबल्स में वैल्यूज़ दी गई हैं, उसमें आपके पास एटम है। अगर कार्बन अकेला हो तो उसकी पैराकर वैल्यूज 2 स्केल हैं। अगर हम सुजन का स्केल मेजर में कर रहे हैं 4.8, अगर वोगल्स का कर रहे हैं 8.6, अगर हाइड्रोजन की वैल्यू देखें तो 17.1, वोगल्स में देखें 15.7। ये दोनों एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यूज़ हैं, आपके पास दोनों वैल्यूज ही इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हमारी बुक में काफ़ी ज़्यादा जगह पर वोगल्स के केस को इस्तेमाल किया गया। ठीक, तो ये वैल्यूज़ हैं। दूसरा, आप साइड पे देख रहे हो कि कार्बन डबल बॉन्ड ओके अगर होगी तो सर्जन ने वैल्यूज़ नहीं प्रोवाइड की थी, मोस्टली उन केसेस में फिर हम सिर्फ वोगल्स की वैल्यू को यूज़ करते हैं, तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ उसने प्रोवाइड किए। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो उसके ऊपर पैराग्राफ का कोई इफेक्ट नहीं है, अगर डबल बॉन्ड है तो उस पर इफेक्ट है दोनों का, 3, 4, 5 मेंबर ट्रिंग, तो ये भी तो डिपेंड करता है। तो ये सारी वैल्यूज़ मिला के हम किसी भी कंपाउंड की पैराग्राफ वैल्यू को बताते हैं। ठीक, यानी पैराकर जब भी आए तो हम उसका एडिटिव प्लस कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज को इकट्ठा स्टडी करते हैं, अदरवाइज आप किसी कंपाउंड की पैराकर वैल्यू को सजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एडिटिव मींस हर एटम की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को ऐड करना, कॉन्स्टिट्यूटिव मींस उसी टाइम वो एक दूसरे से अटैच कैसे हैं, वो अरेंज कैसे हैं। इट विल अरेंज लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, जो भी स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा होगा उसके लिहाज से ये अरेंज करते हैं।